दोस्तों अक्सर आपने सभी बड़े क्रिएटर के मुंह से ये सुना ही होगा कि भाई अपना जो टाइटल है उसको सही करो, डिस्क्रिप्शन सही से लगाओ, टैग्स को सही से लगाओ और जो आपकी वीडियो का जो थंबनेल है उसको तो भाई सही से बनाओ, तब जाके ही आपकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। मानता हूँ यार ये सब कुछ सच है, लेकिन ये भी सच है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी वही उस वीडियो पर 20 से लेकर 30 व्यूज़ आते हैं एंड वीडियो बिल्कुल रुक जाती है। उसके बाद ना ही वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, ना ही सब्सक्राइबर आते हैं एंड ना ही यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट करता है। तो भाई सवाल ये है कि दिक्कत कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों वीडियो पर व्यूज नहीं आ, क्यों यूट्यूब वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा, और क्या ये सभी चीज सिर्फ आपके साथ ही होती है या फिर हमारे साथ भी होती है, उन सभी बड़े क्रिएटर के साथ भी होती है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको देने वाला हूँ विद प्रूफ, क्योंकि अगर प्रूफ होगा तो ही आप अच्छे से विश्वास कर पाओगे। एंड टेक चैंपियन सपोर्ट के जो अंशु मौर्य, उनका भी यही मानना है कि अगर आपकी वीडियो पर ये चीज होगी तो आपकी वीडियो डेफिनेटली व्यूज लेके आएगी एंड आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल हो सकती है। अब वो है क्या, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले यार मैं अपने लास्ट वीडियो के विनर का नाम अनाउंस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके चैनल का नाम है फ्यूटेड गेमर। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपका चैनल मैं बहुत जल्द अपने कम्युनिटी सेक्शन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर और कॉमेंट सेक्शन पर प्रमोट कर दूंगा। एंड अगर आप भी अपने चैनल को फ्री में प्रमोट करना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना और मेरी लेटेस्ट वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्या पता नेक्स्ट टाइम आपका नाम आ जाए। तो गाइस अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो देखो YouTube पर जब भी हमारे पास कोई भी एक वीडियो आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उस वीडियो के थंबनेल पर ही जाता है। एंड अगर उस थंबनेल पर कुछ तड़कता भड़कता लिखा हो, कुछ धमाकेदार लिखा हो या फिर कोई नेगेटिव चीज लिखी हो या फिर कोई क्लिकबेट किया हो तो उस टाइप की वीडियो भाई बहुत जल्दी वायरल होती है एंड YouTube भी उस टाइप की वीडियो बहुत जल्दी वायरल करता है। क्यों? क्योंकि लोग उस वीडियो पर जल्दी क्लिक करते हैं, उस वीडियो पर इंटरेस्ट दिखाते हैं जिससे उस पर ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है एंड जिसमें ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है YouTube उस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक रिकमेंड करता है, प्रमोट करता है। मतलब आज के टाइम पर YouTube पर उसी टाइप की वीडियो बहुत जल्दी वायरल होती है जिसने अपने वीडियो के थंबनेल पर बहुत सही तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से क्लिकबेट किया हो और अपने वीडियो के अंदर मसाला भरा हो। चलो यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सुपोज करो मैंने एक वीडियो बनाई 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट करें एंड उस पर मैंने एक डिसेंट सा थंबनेल डाल दिया एंड वो वीडियो आपके सामने आ गई, तो क्या आप उस वीडियो पर, उस थंबनेल पर क्लिक करोगे? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपको कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके थंबनेल पर ये लिखा हो रोज 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो और 5 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स आराम से कंप्लीट करो, तो आप उस टाइप के थंबनेल पर डेफिनेटली क्लिक करोगे। क्यों? क्योंकि यार वो एक आसान तरीका है और काफी सारे लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए एंड इस टाइप की वीडियो पर बहुत ज्यादा क्लिक्स मिलते हैं क्योंकि इस पर काफी अच्छे तरीके से क्लिकबेट किया हुआ है। एंड इसी तरीके से यार मैंने अपने वीडियो पर यही लिखा था रोज के 200 सब्सक्राइबर्स और 5 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स, जिससे मेरे इस वीडियो पर काफी अच्छे खासे मुझे व्यूज मिले मेरे बाकी वीडियो के कंपैरिजन पर और ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करी। एंड इसी तरीके से मेरी ये वाली वीडियो भी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करी जिसमें मैंने लिखा दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर कॉपी करें, जिसमें मैंने मनोज दे की सब्सक्राइबर शो किए थे अपने चैनल पर। मतलब आपको अपने वीडियो के थंबनेल पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, आपको क्लिकबेट करना सीखना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी वीडियो के उस थंबनेल पर क्लिक मिलेंगे और क्लिक मिलेंगे तो आपकी वीडियो का CTR हाई जाएगा और YouTube उससे आपकी वीडियो को और भी लोगों तक प्रमोट करेगा, रेकमेंड करेगा। तो चलो यार आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी के टाइम पर इंडिया पर क्या चल रहा है, साउथ वर्सेस बॉलीवुड। मतलब लोग अभी साउथ की मूवीज को देखना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है मूवीज भी काफी अच्छी बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग बॉलीवुड की मूवीज को देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उसे बॉयकॉट कर रहे हैं। सो YouTube पर एक चैनल है जिनका नाम है साइनफ्लिक, ये मूवीज का अराउंड ही अपनी वीडियोस को बनाते हैं एंड इन्होंने वीडियोस अपलोड करना कुछ 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। सो RR के जो फेमस एक्टर है जिनका नाम है रामचरण, आपको जैसा कि पता ही होगा ये अपनी मूवी की प्रमोशन कर रहे थे एंड उस समय वो बेयरफुट थे, मतलब नंगे पांव थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अयप्पा स्वामी का व्रत रखा था। तो ऐसे में इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दी। इसने अपने वीडियो के थंबनेल पर एक साइड रामचरण को खड़ा किया जिसमें वो नंगे पांव थे एंड दूसरी साइड उन्होंने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी को खड़ा किया था जैसे कि करण जौहर और आलिया भट्ट, जिसमें से आलिया भट्ट के मुंह से एक डायलॉग निकल रहा था कि ये सब दिखावा है, ढोंग है, और करण जौहर के मुंह से जो डायलॉग निकला था वो था तुम चुप रहो। मतलब बॉलीवुड वर्सेस साउथ वाला एक जो स्टोरी है ना वो क्रिएट किया था थंबनेल पर और अल्टीमेटली ये दिखाने की कोशिश की थी थंबनेल के थ्रू कि जो बॉलीवुड वाले वो साउथ का मजाक उड़ा रहे हैं, उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप खुद सोचो अगर अभी के टाइम पर ये वाला थंबनेल किसी के पास भी यूट्यूब पर आएगा
तो वो बंदा उस थंबनेल पर क्लिक क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। क्योंकि आप खुद सोचो यार, थंबनेल पर इतना तगड़ा मसाला क्रिएट कर दिया हुआ है, क्लिक पेट इतने तगड़े तरीके से किया हुआ है, एंड अभी के टाइम पर साउथ की मूवीज को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है लोगों के अंदर, तो वो बंदा जरूर क्लिक करेगा, उस वीडियो को देखेगा। एंड इस तरीके से इस बंदे ने अपने चैनल पर बहुत सी वीडियोज को अपलोड किया है विद क्लिक पेट थंबनेल, जिससे इसने अपनी वीडियो पर बहुत अच्छे खासे व्यूज लिए हैं एंड इसका चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। सो अल्टीमेटली आपने अपने वीडियो के थंबनेल पर सही तरीके से वर्क करना है, एंड यही चीज टैग चैंपियन सपोर्ट चैनल के अंशु मौर्य का भी मानना है। इन्होंने अपने एक रीसेंट वीडियो में ये शेयर किया कि मतलब इन्होंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जो कि बहुत अच्छे टॉपिक पर थी, वीडियो भी काफी सही थी, थंबनेल भी काफी अच्छा बनाया था, लेकिन फिर भी उस वीडियो पर सही व्यूज नहीं आए एंड ना ही उनकी वीडियो वो चल पाई। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना दूं जैसे मनोज दे को टारगेट कर दिया, जैसे कि मनोज दे तू जेल जाएगा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक है, या फिर थंबनेल में कुछ ऐसा तड़कता भड़कता लिख दिया या फिर क्लिक बेट कर दिया, तो उस टाइप की वीडियो उनकी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाती है और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ लेके आ जाती है। मतलब आपको अपने वीडियो का थंबनेल में काम तो करना ही है, एंड साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना है जो लोगों को देखना पसंद है, जो लोग देखना चाहते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिला हो, ताकि आप भी ये समझ सको कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए अपनी वीडियो पर, अपने थंबनेल पर और यूट्यूब पर, जिससे आपकी वीडियो भी सही तरीके से परफॉर्म कर सके एंड आपकी वीडियो भी वायरल हो सके। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन पर हेल्पफुल वीडियो जरूर लिखना, इससे यार मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप की वीडियोज और भी बनाने के लिए। एंड यूट्यूब ग्रोथ से जुड़ी और भी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप इस वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना, आपके डेफिनेटली बहुत काम आएगी। तो गाइस, मैं मिलता हूँ इसी टाइप की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर तब तक के लिए बाय।